है। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मैं नाम रूपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो हम सीखेंगे कि हम यहाँ पे किस तरह से अपने गूगल पे का QR कोड हम निकालेंगे, क्योंकि QR कोड निकालना जरूरी होता है जिसकी मदद से हम लोग पेमेंट वगैरह कर पाते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो से हम सिंपल तरीके में सीखेंगे कि हम अपने गूगल पे का QR कोड कैसे निकालेंगे। होता तो सिंपल है, लेकिन जो हमारे भाई बहन अभी नए हैं यहाँ पे गूगल पे पे, उनके लिए थोड़ा कठिन होता है। आइए देख लेते हैं कैसे कैसे क्या करना है। मेरी वीडियो को आप आखिरी में लाइक करेगा, जब मेरी वीडियो से आप संतुष्ट हो जाएगा तब लाइक करेगा। आइए चलिए लाइव स्क्रीन लगाता हूँ, देखते हैं कैसे कैसे क्या करना है। मैंने यहाँ पे स्क्रीन लगा दिया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि गूगल पे का जो QR कोड होता है उसको हम कैसे निकालेंगे, स्कैन करके पेमेंट वगैरह का प्रक्रिया समझते हैं। तो सबसे पहले हमको अपने गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। ओपन करके अपना पासवर्ड वगैरह भर दीजिएगा ताकि ये अच्छे से ओपन हो जाए। जैसे यहाँ पे ओपन करेंगे अब आपके सामने यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब आइए यहाँ पे सीखते हैं कि इसका QR कोड हम कैसे निकालेंगे। तो अगर यहाँ पे देखें, अगर फोन पे की तरह, तो इसका जो QR कोड है फोन पे की तरह नहीं निकलता है, ठीक है। फोन पे में हम क्या करते हैं, सिंपल है, अपने प्रोफाइल पे टैप करते हैं, यहाँ पे जो कार्नर पे प्रोफाइल होता है और QR कोड यहाँ पे दिख जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका QR कोड ऐसे नहीं दिखेगा, इसमें भी वही प्रोसेस है। आइए आपको समझाते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, इसमें भी अपने प्रोफाइल पे ही क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितना बैंक अकाउंट आप लिंक करके रखे होंगे सभी बैंक अकाउंट अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा, फोन पे में सभी बैंक अकाउंट का QR कोड एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे हर एक बैंक अकाउंट का QR कोड अलग अलग होगा। तो किस खाते में आपको पैसा लेना है उस पर टैप करना होगा। जैसे मेरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मेरा यहाँ पे अकाउंट लिंक है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे इस पे क्लिक करूंगा, देखिए मेरे दो अकाउंट मेरे गूगल पे से यहाँ पे कनेक्ट हैं, ठीक है, जुड़े हैं। तो मुझके जिस बैंक में पेमेंट लेना होगा उस पे क्लिक करेंगे, तो हमें सेंट्रल बैंक में चाहिए या यूको बैंक में चाहिए। तो मान लीजिए हमको यूको बैंक में लेना था, हम यूको बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अब नीचे एक ऑप्शन दिखेगा डिस्प्ले QR कोड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इस डिस्प्ले QR कोड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे, अब मेरा QR कोड आ गया। अब यदि हम पेमेंट लेते हैं तो हमारे इसी वाले अकाउंट में पैसा आएगा। तो इसका कोड अलग अलग होता है, तो अच्छा भी है कि हम जिस अकाउंट में जाए उस अकाउंट में पेमेंट ले सकते हैं, क्योंकि फोन पे में जो अकाउंट उस टाइम मतलब जितना आप लिंक किए रहेंगे, लेकिन जिससे लेटेस्ट पेमेंट किए रहेंगे उसी अकाउंट में पैसा जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये बात है कि सबका अलग अलग QR कोड है, जिसमें आप चाहेंगे उसमें पेमेंट ले पाएंगे। और स्कैन कैसे करना होता है, स्कैन करने के लिए अगला जिस फोन से आपको पेमेंट लेना है उसके फोन में यहाँ पे स्कैनर दिया गया होगा कॉर्नर पे, यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस पर आप क्लिक कर देंगे, स्कैनिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और स्कैन करके आप पेमेंट ले सकते हैं। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।